नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन की खबरों के साथ मैं हूँ कीर्ति तिवारी और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे अमित शाह की। बीजेपी अध्यक्ष व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जामताड़ा से चुनावी शंखनाद किया। शहर के काली मंदिर मैदान में आयोजित सभा में उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की, जिसके बाद विपक्ष पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज से जोहार जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हो रही है। ये यात्रा 3 चरणों में झारखंड की सभी विधानसभा क्षेत्रों में घूमेगी और राज्य में फिर एक बार भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बना कर रांची वापस लौटेगी। झारखंड राज्य साक्षरता कर्मचारी संघ द्वारा शिक्षा मंत्री नीरा यादव की आवाज का घेराव के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। अपने मान सम्मान तथा हक अधिकार के लिए लगभग 5,000 साक्षरता कर्मचारी एकजुट हुए। 2010 से साक्षर भारत मिशन के तहत पंचायत स्तर पर एक महिला एवं पुरुष 2,000 वेतन एवं प्रखंड स्तर पर एक भी बीपीएम को 6,000, जिला स्तर पर एक डीपीएम डीपीसी लेखपाल को 8,000 की न्यूनतम मजदूरी पर निस्वार्थ भाव से और शिक्षकों को साक्षर बनाने का कार्य मिला था, लेकिन 24 महीने से वेतन सरकार की ओर से नहीं दिया गया है, जिससे झारखंड प्रदेश में लगभग 10,000 कर्मचारी बेरोजगार होकर भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं। इनकलाब इनकलाब जिंदा माध्यम से हो जाएगा वही। झारखंड सरकार द्वारा 2009 से ही साक्षरता कर्मचारी के रूप में प्रेरक बीपीएम डीपीएम के रूप में बहाल किया गया और एक एक घर में जाकर हम लोगों ने साक्षरता का काम किया। दुख इस बात की है कि केंद्र से पैसा आने के बावजूद भी 24 महीने का मानदेय जो है इस सरकार ने बकाया रख लिया है। बार बार लिखा पढ़ी करने के बाद, प्रतिनिधि मंडल मिलने के बाद भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई, तब हम लोगों ने चरणबद्ध आंदोलन का कार्यक्रम रखा कि मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे, शिक्षा मंत्री के घर पर धरना देंगे। और यह 1 महीना पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया। ये लोगों ने इतना ही अन्याय नहीं किया, क्योंकि जब इतने दिनों तक हमने काम कर लिया, 10 साल 12 साल 13 साल, उसके बाद अब कहता है कि नई शिक्षा नीति आएगा तब हम लोग सोचेंगे। अभी न आपको हटा रहे हैं न मानदेय दे रहे हैं। इस तरह झारखंड के बेरोजगारों के साथ यह मजाक हो रहा है। हम लोगों ने कहा जब नई शिक्षा नीति आएगी, तो जब हम पुरानी शिक्षा नीति में काम कर रहे हैं तो नई शिक्षा नीति में क्या विदेश से आदमी आएगा? और जब आएगा तब आएगा। जो कार्रवाई हम कर रहे हैं अभी तक, तो लगातार हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? खासकर जो मांग हम लोगों ने दिया कि 24 महीने का जो बकाया हमारा मानदेय है वह भुगतान करो, एक बंद कर दिया गया और कहती है कि अब आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। हम पूछते हैं कि जमीनी स्तर से हम लोग काम किए, बीओलो का काम किए और मेन इलेक्शन में हमारा पैसा रोक के हमें बीओलो पद से भी मुक्त कर दिया गया। कहते हैं ये लोग को हटाओ, क्यों? आज हम लोग एक घर जाके साक्षर किए, बैंक दिखाए, वृद्धा पेंशन राशन कार्ड हर सरकार की योजना में हम लोग भागीदारी थे और भागीदारी पूरा योजना को लेकर, और हमारे को बोलते हैं कि बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें नई शिक्षा नीति का एक झुंझुना थमा दिया गया है कि लो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें आप लोग का संयोजन करा जाएगा। नहीं, हमें तुरंत करो और हमारा बकाया मानदेय अविलंब करो। अब बात अनुबंधित पारा चिकित्सक की। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार अपने मांगों के समर्थन में राजभवन के समक्ष आमरण अनशन व धरने पर बैठ गए हैं। उनकी मांगे हैं कि वैसे अनुबंध कर्मी जो अनुबंध पर कार्यरत हैं और अर्हता रखते हैं, उन्हें पारा मेडिकल परिषद में निबंधन की अनुमति दी जाए, 40% प्राप्तांक की अनिवार्यता समाप्त की जाए। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ के संयुक्त सचिव संतोष कुमार ने इस दौरान कहा कि हम लोग अपने काम में रात और दिन एक करते हैं, तो अपने मांगों के समर्थन में आंदोलन के लिए जान तक दे सकते हैं। संघ के बैनर तले राज्य के साथ कर्मी इस जगह पर अनिश्चितकालीन कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। हमारी मुख्य मांगे हैं कि हम जो भी अनुबंध कर्मी वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में अनुबंध पर कार्यरत है, वैसे अनुबंध कर्मी जो प्राथमिकता की अर्हता रखते हैं और अन्य राज्य के निवासी हैं, उन्हें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की कृपा की जाए। और वैसे अनुबंध कर्मी जिसका निबंधन पारा मेडिकल काउंसिल में नहीं हुआ है, जल्द से जल्द उनको निबंधन कराने की अनुमति दी जाए। और जो सरकार नियुक्ति के नाम पर पारा मेडिकल नियमावली बनाई है, उसमें 40% न्यूनतम प्राप्तांक का कहीं जिक्र नहीं है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जो अभी बहाली निकाले हैं उसमें 40% की बाध्यता को खत्म करें और अनुबंध कर्मी की नियुक्ति को जो परीक्षा है उसे सही सलामत पूर्ण करे, अन्यथा अनुबंध कर्मी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। सरकार के लिए, सरकार राज्य की सेवा के लिए जब हम अपना पूरा दिन दे रहे हैं, तो अपने हक के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं।
रांची में BSNL मजदूर संघ लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। मजदूरों ने जुलूस निकालकर जयपाल सिंह स्टेडियम से शुरू होकर BSNL ऑफिस का घेराव कर नारेबाजी की। बता दें कि पिछले 8 महीने से मजदूरों को बकाया सैलरी नहीं मिला है, जिससे कर्मचारी काफी नाराज है। बता दें कि कुछ दिनों पहले पैसे के अभाव में एक BSNL कर्मचारी की मौत हो गई थी, जिसके बाद भी सरकार ने अभी तक BSNL कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया है। यहाँ 10-12 आदमी छटते हैं, दूसरा 8 महीने का बकाया वेतन, 8 महीने से बकाया वेतन है लोगों का, ESI में इलाज बंद हो गया है, और साथ ही साथ 26 दिन काम लो, हर का 26 दिन ही काम होता है ठीका मजदूर में, तुम 21 दिन काम लेने का फार्मूला को हम लोग नहीं मानते हैं, और यदि छटनी करना है तो इन सारी बातों पर यूनियन के साथ बैठ करके बात करो और एक फार्मूला निकालो जिससे सबको मान्य हो। हम चाहते हैं कि BSNL चले, हम चाहते हैं कि भारत सरकार के नीति के वजह से इसको 4G स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, सरकार ने एक नोटिस दिया है, उसमें कहा है कि इन लोगों को 10 दिन कैजुअल लीव देना है और बोनस देना है, और साथ ही साथ इन लोगों को जो जिस दिन बंद रहेगा BSNL उस दिन उनका भी बंदी रहेगा। ये इसका नोटिस दिया, अभी तक अनुपालन का आदेश नहीं दिया है, जबकि झारखंड सरकार के लेबर कमीशन जो हैं उनको चिट्ठी दिया है कि इसको लागू कर दो, माना भी है लेकिन अभी तक लागू का चिट्ठी नहीं गया। इन्हीं सब सवालों को लेकर हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और 23 तारीख को हम लोग CDM जो मुख्य महाप्रबंधक झुमार पुल हैं उनका जबरदस्त घेराव करेंगे और हटेंगे नहीं जब तक कि हमारा पैसा नहीं दे। अब बात संगिनी महिला मंडल की। संगिनी महिला मंडल CCLP परिवार के द्वारा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर CCL CMD की पत्नी सहित कई महिलाएं शामिल हुई। कार्यक्रम में दिव्यांग केंद्र में क्षेत्र के दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई, खेल कूद व मनोरंजन के साधन CCL द्वारा उपलब्ध कराए गए। साथ ही विशेषज्ञ चिकित्सकों की देखरेख में सभी बच्चों का उपचार किया जाएगा। इसके साथ ही महिलाओं के उत्थान को लेकर भी कई तरह की बातें की गई और कहा गया कि सिलाई प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है, जिसके साथ ही दिव्यांग बच्चों के बीच फल व खेल कूद का सामान, महिलाओं के बीच सिलाई मशीन, विकलांग लोगों के बीच व्हील चेयर व बैसाखी का वितरण किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए सनमार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।